नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ चतुर्वेदी इन घर में आपका स्वागत करता हूं। आज आईपीएल का 53वां मुकाबला केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। हमारे साथी विवेक आपको मैच के बारे में अपडेट देंगे, बताइए सर। जैसा कि ये मैच कोलकाता और पंजाब के लिए दोनों के टीमों के लिए अहम है, जहां सातवें और आठवें स्थान पे दोनों टीमें बरकरार हैं। दोनों टीमें इस आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाई हैं, लेकिन पंजाब की टीम के लिए एक अच्छी बात है कि उनके बल्लेबाज जो है कि प्रभ सिमरन सिंह, शिखर धवन, जितेश शर्मा एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो कि इनको भारतीय टीम में शामिल किए जाने की बात की जा रही है ऋषभ पंत की जगह, जब तक उनकी मतलब चोट की वजह से वो टीम बाहर है। जितेश शर्मा जो है कि इस आईपीएल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सौरभ, जिसकी बदौलत वो आने वाले मैचों में वो भारतीय टीम में भी खेलते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे ईडन गार्डन की बात करें तो ईडन गार्डन का मैदान थोड़ा सा बड़ा है, अगर यहाँ पे 160-170 रन का टीम अगर लक्ष्य बना लेती है तो काफी जो है कि बढ़िया स्कोर रहेगा। अभी पंजाब की टीम अपना पिछला मुकाबला हार के मुंबई से आई है। देखिए, अगर दोनों टीमों के पॉइंट टेबल की बात करें तो पंजाब किंग्स ने दोनों ने 10-10 मुकाबले खेले हैं। पंजाब किंग्स ने 5 में हार और 5 में जीत हासिल हुआ इनको, और केकेआर के लिए सफर शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बाद में इनको इनके अनुरूप नहीं हुए परिणाम। इन्होंने 10 मुकाबले में 4 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा। अगर आपको यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केकेआर की क्या स्पिन तो अच्छी है, नरेन है, चक्रवर्ती है, सुयेश शर्मा नए उभरते हुए स्पिनर है, काफी अच्छी बॉलिंग करे, पर तेज गेंदबाजों में धार नहीं, सिर्फ उमेश यादव है। शुरू के कुछ मैचों में टीम सऊदी को खिलाया, फिर टीम सऊदी को टीम से बाहर कर दी। वो एक्चुअली 4 प्लेयर का है कि भारत से बाहर विदेशी खिलाड़ी जो भी है टीम में 4 प्लेयर खेल सकते हैं, तो रसेल को खिलाने एक ऑलराउंडर है, रसेल नरेन हो जाते हैं, इस वजह से टीम सऊदी जो है कि टीम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। वहीं बता दें, पंजाब जो है अपना पिछला मैच जो मुंबई से हारी थी, पंजाब टीम में बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, 215 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाज जो है अर्शदीप सिंह, सैम करन आपको पता ही होगा कि सबसे महंगे आईपीएल में इस साल खिलाड़ी थे, मतलब बिके थे, लेकिन वो अपने उसके अनुरूप जितना वो पैसा पाया उसके अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। मतलब पंजाब की बॉलिंग कुछ कमजोर है। बिल्कुल, पंजाब को अपने बॉलिंग पे सुधार करना चाहिए और केकेआर को बल्लेबाजी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कप्तान नीतीश राणा कई ऐसी पारियां खेल रहे हैं जो टीम के लिए जरूरत है, लेकिन उनको दूसरे छोर से वैसा साथ नहीं मिल पा रहा है। आंद्रे रसल इतने बड़े लेवल के बल्लेबाज हैं, उनका नाम ही काफी विरोधियों को धूल चटाने के लिए, लेकिन वो भी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे अभी तक, वो उनके बल्ले से नहीं दिखा है प्रदर्शन की, मतलब जिसके लिए जाने जाते हैं कि 6 बॉल पे 30 रन बनाते हैं, 25 रन बनाते हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही एवरेज उनका स्कोर रहा है, ना गेंद से ना बल्ले से, दोनों में से कोई भी रसेल पूरे आईपीएल में एक तरह से कहें तो फ्लॉप रहे हैं। क्या आज तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रसेल को टीम में शामिल नीतीश राणा करेंगे या नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी जगह कौन होता है टीम में, ये भी केकेआर के लिए मुसीबत है। केकेआर को एक थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है और अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन में खेलेगी। बिल्कुल, ये इनके लिए पॉजिटिव बातें हैं, और कप्तान नीतीश राणा शानदार फॉर्म में चल रहे, वो लगातार 50 के रन के आसपास की पारी खेल रहा है, और लेकिन समस्या उनकी गेंदबाजी में क्या है बता सकते हैं आपको? जी, समस्या क्या है कि उनके पास तेज गेंदबाज नहीं है केकेआर के खिलाफ, मतलब एक उमेश यादव ही है, स्पिन तो अच्छी, बहुत ही अच्छी स्पिन है, मगर एक अकेला कम से कम 2 तेज गेंदबाज अच्छे होने की वजह से टीम सऊदी रहते थे टीम में तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता था, लेकिन टीम सऊदी टीम में नहीं रहने की वजह से थोड़ी केकेआर को दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि पंजाब की टीम के इस समय बैट्समैन जो है कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनके सामने अगर स्पिनर जो है कि जितेश शर्मा भी स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 170 के पार रहता है, शिखर धवन भी जो है कि स्पिनरों को बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो मुकाबला काफी रोचक होना होगा। दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है, क्योंकि अगर जो भी टीम हारती है वो प्ले ऑफ की रेस से धीरे धीरे बिल्कुल ये प्ले ऑफ के नजदीक मुकाबले हो रहे हैं, तो जो भी टीम हारेगी उसके लिए मुसीबत बड़ी होगी और जो जीतेगी उसके लिए राह आसान होंगे। और भी तमाम क्रिकेट की खबरों को जानने के लिए आप इन खबरों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बिना सोचो समझाने बोलता है।